हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड अगर बात करें इस वाली वीडियो की, तो यहाँ पर बात करने वाले हम मैक्स हेल्थ केयर से रिलेटेड। मैक्स हेल्थ केयर मैंने क्यों चुना है, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। और अगर हम बात करें, ये शेयर काफ़ी परफॉर्मिंग लगता है। एज वेल एज अगर बात करें, मैं पिछले 1-1.5 साल से पहले इस शेयर को ढूंढ रहा था, ओके। एंड तब उस टाइम मुझे पता नहीं थी, और मुझे बीच में अभी पता चली कुछ टाइम पहले कि ये शेयर एग्जिस्ट करता है। और ये अभी ही बना था, आई थिंक डीमर्ज हुआ है मैक्स से या कैसे, आई अभी देखा नहीं है। बट स्टिल अगर बात करें तो काफ़ी परफॉर्मिंग ये शेयर लगता है। और बात करूँ यहाँ पर, मुझे लगता है अच्छी अच्छी ब्लॉक डील होती हुई नजर आई है, और ये शेयर भागता हुआ नजर आ सकता है फ्यूचर में। और अच्छा खासा ये पोटेंशियल भी रखता है, और जिस तरीके की सिचुएशन है सारी इसके फेवर में है, तो थोड़ा सा इस शेयर की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों को भी हमारे चैनल के साथ कनेक्ट करा, ताकि वो भी इस तरीके की नॉलेज ले सके और हम सब मिलकर आगे बढ़ सके। एज वेल एज अगर बात करें, अभी एक शेयर है, मैंने ब्रेकआउट शेयर है ओके चार्ट में, केवल अभी अभी जो 5% भाग गया ना, उसे भी एक्सक्लूड करेंगे तो 61% एक साल के अंदर अंदर अगर एक 61% तक वो शेयर भाग लेता है ना, तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं और देखने की ज़रूरत है। और इसका कॉम्पिटिटर ऑलरेडी भाग चुका है, तो इसलिए कहता हूँ इस शेयर की तरफ नज़रें बनाइए। काफ़ी अगर बात करें जेटी केटी इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाकी और भी वीडियोज़ हैं, उन वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। IEX से बनाई थी, वो भी आज 2-3% भागा है। एस्ट्राजेनेका भी देखिए भागने वाला है। तो इन शेयर की तरफ ध्यान दीजिए, नॉलेज लीजिए और फिर आगे बढ़िए, फिर उसके बाद देखिए पैसा कैसे नहीं बनता। तो हम बात करने वाले हैं मैक्स हेल्थ केयर की। तो मैक्स हेल्थ केयर की अगर बात करें, देखिए आज की डेट में काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रॉमिसिंग ये शेयर लगा भी था, ऊपर तक गया भी था, फिर बीच में नीचे आ गया। बट कोई इशू नहीं है, अगर बात करें 1 महीने से वो इसी रेंज में खेलता हुआ नजर आ रहा है, बट कोई इशू नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये शेयर अभी अगस्त 2020 में यहाँ पर लिस्ट होता हुआ यहाँ पर नजर आया था मार्केट में, और उसके बाद से यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये शेयर ने अगर देखे तो 102.4% के मल्टी बैगर रिटर्न भी नहीं कहेंगे, मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। और बड़े बड़े FIIs, DIIs सब ने इस शेयर को खरीदा है। और बताना चाहता हूँ, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का ऑलरेडी मैं होल्डर हूँ, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इंडिया की नंबर वन इंश्योरेंस सेक्टर में भी आता है। तो थोड़ा इस चीज़ को देखते हुए ओके हम काम करेंगे, तो हमें मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन आगे बढ़ सकते हैं। एज वेल एज बात करें यहाँ पर, तो आज की डेट में अगर देखें तो 37% लगभग 90,24,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे उठाए गए हैं। जो मैं आपको बता रहा था ना कि बल्क डील हुई है आज के दिन में, तो बल्क डील इसी तरीके से होती है, और इसी तरीके से ये शेयर भागते हुए भी नजर आते हैं। 52-week हाई की बात करें, 20 अप्रैल को 241 पे गया था, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन और 97 रुपीज़। और यहाँ पर 2-3 रीज़न फेवर करते हैं कि ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा भी। तो अगर बात करें यहाँ पर 70% की यहाँ पर शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, 29% में यहाँ पर DIIs, FIIs सब इंक्लूड है, HNIC, और कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है। तो क्यों कह रहा हूँ भागता हुआ नजर आएगा, सबसे पहले यहाँ पर ये फाइनेंशियल रिजल्ट 28th of May, आज 21 है ओके, 28th of May की अगर हम बात करते हैं क्या दिन है, अगर हम देख लेते हैं तो आज का दिन ही फ्राइडे ओके, नेक्स्ट फ्राइडे को यहाँ पर रिजल्ट पेश होते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये शेयर उस टाइम और अच्छा खासा भागता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं मैक्स हेल्थ केयर करता क्या है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम कुछ चीज सर्विसेज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर सर्विसेज अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये इमरजेंसी फ्री ओके लैब से रिलेटेड काम करता हुआ नजर आता है, एट होम सर्विस, बुक एट हेल्थ चेकअप, तो यहाँ पर काफ़ी सारी मतलब हॉस्पिटल्स इसके है, ट्रीटमेंट्स ये देता हुआ नजर आता है, वो भी इतनी सारी यहाँ पर देखिए मतलब कैंसर से लेके हर तरीके की बीमारी से रिलेटेड, एज वेल एज प्रोसीजर्स वगैरह, मतलब यहाँ पर सब चीज़ों से रिलेटेड काम किया जाता है। तो थोड़ा सा इसकी तरफ हॉस्पिटल्स की बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके हॉस्पिटल्स दिल्ली NCR में मिलते हैं, महाराष्ट्र में मिलते हैं, उत्तराखंड में, पंजाब में, और भी अगर आप आगे देखेंगे तो काफ़ी जगह पर इनके यहाँ पर देखिए मैक्स होम, मैक्स लैब, हेल्थ चेकअप, गेट वैक्सीनेटेड, मतलब वैक्सीन वगैरह का भी काम इधर ही होता हुआ नज़र आ रहा है। एज वेल एज हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर इनके बारे में पढ़ लीजिए, यहाँ पर मोहाली, बठिंडा ओके, देहरादून, यहाँ पर ये कंपनी, ये हॉस्पिटल ज़्यादा हेल्थ केयर नज़र भी आता है। इसके अलावा बात करें तो मिड कैप कंपनी है, 21,743 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर मार्केट कैप है। डेट की बात करें 42% डेट है, और यहाँ पर प्लस की बात करें कोई भी यहाँ पर प्लस शेयर नज़र नहीं आता। अगर हम यहाँ पर और चीज़ें देख लेते हैं सेल्स, तो देखिए सेल्स यहाँ पर जून 2019 में 264 करोड़ की थी, इसके बाद अगर दिसंबर में बात करते हैं 796, समझ रहे हैं, मतलब 1-1.5 साल के अंदर
अंदर यहाँ पर क्या यहाँ पर जंप हुआ है सेल्स में, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईएस्ट एवर जब हाईएस्ट एवर रिवेन्यू, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, इस तरीके की चीज़ आती है तो ये चीज़ फैसिनेट करती है, ये चीज़ लगती है कि हाँ ये इसमें कैपेसिटी है, इसमें वो चीज़ है, वो एंथ्यूज़म है कि ये आगे बढ़ सकता है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, 160 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 90 करोड़ का नेट प्रॉफिट, इस तरीके के यहाँ पर प्रॉफिट मतलब माइनस से पॉजिटिव यहाँ पर जनरेट कर रही है कंपनी। इसके अलावा बात करते हैं सेल्स की, तो ये सेल्स तो देखिए पिछले 12 महीने में ही तोड़ चुका है, और अभी जिस तरीके की कोरोना सिचुएशन है तो ऑब्वियसली बात है मैक्स हॉस्पिटल्स ओके चलते हुए नजर आएंगे, मैक्स के हेल्थ केयर चलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर बात करें तो ये शेयर यहाँ पर ये इसमें तो जंप होना ही होना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप होना है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये नेगेटिव से शायद पॉजिटिव में आ जाए ओके, तो इस चीज़ों की तरफ हमें देना है। और अदर इनकम यहाँ पर नेगेटिव थी तो इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव दिखा रहा है, वरना ये कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट पेश किया है, एटलीस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा खासा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके नज़र आ रहा है। यहाँ पर 2020 में 2450 करोड़ के रिजल्ट से 3372, मतलब देख रहे कितने एक्स, मतलब आप बात करें तो 8x यहाँ पर रिजर्व्स बढ़ते हुए नज़र आए हैं, वो भी एक साल में 6 महीने के अंदर अंदर। बोरिंग की बात करें तो बोरिंग देखिए यहाँ पर बड़ी है नो डाउट, बट यहाँ पर इतना इनके पास है कैपेसिटी कि ये बोरिंग को ये डेट फ्री अपने आप को कर सकते हैं, देखते हैं कब करते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ पर देखिए फिक्स एसेट बढ़ती हुई नज़र आई है, मतलब इसका मतलब है कि कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च होती है ना तो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा यहाँ पर परफॉर्म करने की और भी ज़्यादा वो इच्छा हो जाती है कि हाँ हम और ज़्यादा परफॉर्म करेंगे जब ये फिक्स एसेट बढ़ते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट की बात करें, कैश देखिए 402 करोड़ रुपए का, ट्रेड रिसीवेबल अच्छा खासा है, टोटल एसेट बढ़ती हुई नज़र आ रही है, एज वेल एज यहाँ बात करें जो भी पैसा आ रहा है सीधे इनकी बुक पे दिखाई दे रहा है। ROC की तो यहाँ पर नहीं दे रखा, बट कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखें अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग, यहाँ पर 5% से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम करी है, बट कोई इशू नहीं है, यहाँ पर जितना भी कम कर दिया। और यहाँ पर देखिए 82% थी, यहाँ पर फिर सेबी का रूल लाया और अभी फिर 5% कम करी है, बट कोई इशू नहीं है। FIIs की बात करें, FIIs के पास 17.96% की होल्डिंग है, जो कि उन्होंने 10% से 17 करी, फिर 2.8 करी, फिर 17.96 करी FIIs की। DIIs की बात करते हैं तो DIIs यहाँ पर देखिए हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, HDFC SBI मतलब यहाँ पर हिस्सेदारी खरीद रही है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास है केवल और केवल 5% की होल्डिंग है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, उसमें भी बड़े बड़े लोगों के पास है, बाकी छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उन्हीं के पास यहाँ पर जैसे कहते हैं कोई 10 शेयर, कोई 50 शेयर, 100 शेयर, 200 शेयर रख लेते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर बात करें सारे शेयर यहाँ पर बड़े बड़े कंपनी FIIs, DIIs, HNIs, इनके पास ये कंपनी के शेयर, ये हेल्थ केयर यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर के शेयर नज़र आते हैं। एज वेल एज अगर बात करें, देखिए चार्ट पैटर्न इसका कुछ नहीं बन रहा क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर है नहीं, बट एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, ये इसके वॉल्यूम है ना जो हाईएस्ट एवर वॉल्यूम है 24.275 मिलियन, मतलब समझ रहे 2,40,00,000 के आसपास यहाँ पर वॉल्यूम होता हुआ नज़र आया। इतनी बाइंग जब इस तरीके की बाइंग आती हुई नज़र आती है और एट द टाइम ऑफ इट्स रिजल्ट, तो यहाँ पर कंपनी और ज़्यादा परफॉर्म करती हुई नज़र आती है और भागती हुई नज़र आएगी, तो मुझे लगता है कि ये शेयर की वर्थ वैल्यू कम से कम 400 रुपये के आसपास होनी चाहिए, और इधर तक ये अगर जाता भी है विद इन 6 मंथ तो कोई चौंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी अपने आप को परफॉर्म करके दिखा रही है। एक बार रिजल्ट आ जाए उस बार और इस टाइम वो देख लेंगे, बट मैं ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हूँ ओके, मैंने आज दोबारा इसके शेयर खरीदे हैं, इससे पहले भी मेरे पास थे, तो मैक्स हेल्थ केयर ओके काफ़ी बेहतरीन मुझे लग रहा है, इसलिए मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद की स्टडी करके ही आप इसमें पोजिशन बनाइएगा। बाकी मैक्स हेल्थ केयर वन ऑफ द गुड स्टॉक मुझे नज़र आता है मार्केट में, और इस सिचुएशन में और ज़्यादा परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो नॉलेजेबल वीडियो एक साथ मिलके आप देखेंगे तो एक साथ ग्रो करेगा, इंडिया ग्रो करेगा, सब लोग एक लोअर लेवल से अपर लेवल पर आएंगे और अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाएंगे और नॉलेज लेके ही सब कुछ करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।